तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हल करने के लिए ना लॉ का क्वेश्चन है, इसे भी हल करने के लिए पहला स्टेप वही करना आपने कहना फर्ज किया, इसे फर्ज करना है x के बराबर, x बराबर है 1.23 0.6975 ठीक है, बटा में 0.075 है, ठीक हो गया, पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आगे लिखना है तरफैन का लॉग, तरफैन का लॉग ले, दोनों साइड पे ना लॉग ले लेना है, तो आ जाएगा लॉग एक्स इक्वल लॉग 1.23 और 0.6975 बटा में आ जाएगा 0.0075 और आगे आ जाएगा 1.287। आप देखिए यहाँ तक अगर आपका ठीक है तो एक नंबर आपको मिल जाएगा, आपने गलती क्या करनी है, एरे नाल एक्स नहीं लिखना, एंजी लिखना, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखेंगे या तुम्हें लॉग कुछ बच्चे ऐड नहीं करना है, लॉग या थे लॉग एंजी दीजिए, तुम स्टेप के नंबर ही देने, फिर उसके गुस्सा रहने में कोई प्रॉब्लम कर चेक कर, यहाँ पर ऐसा क्लियर आपने लॉग ली, ठीक है, इस तरह से अगर आपके ये दो स्टेप ठीक हो गया है तो आपको नंबर एक नंबर बन गया। इसके बाद इस साइड ना लॉग के लॉग अप्लाई करने हैं, आप देखिए बटा वाली रकम आ रही है ना, बटा वाली रकम आ रही है ना, तो मल्टी हो जाएगा, आगे का लॉग ऊपर वाली रकम है 1.23 मल्टी बटा वाली जो वैल्यू है ये मल्टी हो जाएगी, तो आ जाएगा लॉग 0.75 1.27 ठीक हो गया। इसके बाद ना ये दो रकमें ज़रब हो रही है ना, और इस साइड पे भी ये दो रकमें ज़रब हो रही हैं, ज़रब हो रही है ना दोनों साइड पे, जब ज़रब हो तो क्या होता है जमा, यहाँ पे ना ये गलती आ चुकी है, वो देखने क्या है, ये दोनों जमा हो गए लॉग 0.6975, ये दोनों तो जमा हो गए ना, ये दोनों जब जमा होंगे ना तो इस तरह ना यहाँ पे एक रकम आएगी यहाँ दूसरी रकम आएगी और पीछे ये वाली मनफी है, जब ये दोनों जमा होंगे ना पीछे वाली मनफी से फिर मनफी हो जाएंगे, पता चल गया, आपने क्या करना है पहली नाल मनफी ले देनी है दूसरी नाल जमा ले देनी है, सवाल गलत हो ही ना, इस तरह नहीं करना, पहले नाल भी मनफी आएगा दूसरे नाल भी मनफी आएगा, लॉ के कानून के मुताबिक तो ये जमा होने हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो पीछे मनफी है ना इसने आगे भी मनफी कर दी, तीसरा आएगा मनफी लॉग 0.0075 मनफी लॉग 1.278 पता चल गया क्या हुआ है, ये वाला जो मनफी है ना आपने जल्दी जल्दी यहाँ पे जमा लगा देना है तो सवाल गलत हो जाना है, यहाँ पे आएगा मनफी, अगर आपने ये लॉग का कानून सही अप्लाई इस तरह कर दिए एक नंबर आपको और मिल जाएगा। इसके बाद आपने लेना कैलकुलेटर है और इन सबको हल करना है, लिखेंगे लॉग 1.23 इक्वल करेंगे तो आंसर आ गया है 0.0899 इसे आगे भी लिखेंगे लॉग 0.6975 इसे इक्वल करेंगे तो मंथली में देखिए आंसर है, यहाँ पे देखिए मंथली आ जाएगा, जब आपने ला लिया देखा ना मंथली आ गया ना, तो ये जब मंथली में चेंज हो गया जाएगा 0.1564 यहाँ पे बेसिक फाइव में इसे आगे फिर ला लें, आप देखिए लिखेंगे लॉग 0.00
तो ये देखे, ये जो सवाल है ना, इसका आंसर मंथी में आया है, एक मंथी पहले से है, मंथी पता चल गया है, एक मंथी पहले से है, एक जब आपने लॉग लिया वहां पे फिर मंथी आया है, तो मंथी और मंथी जमा हो गया, तो आ गया 2,12,49। इसे आगे भी देखे, तीसरा लॉग है, लिखेंगे लॉग 1,2,7,8 3,10,65। ठीक है, इसके बाद क्या करना आपने, ये सारी वैल्यू जो अलामत यहाँ लिखी हुई है वही अलामत लिखते हुए कैलकुलेटर में लिख देनी है। देखिए पहले लिखेंगे 0.0899 है, आगे मंथी 0.1565 है, इसे आगे लिखेंगे प्लस 2.1249 माइनस है 3.1065 इसे इक्वल कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया है मंथी 1.0482। ठीक है, ये लॉग एक्स आ गया, ठीक है, देखे बेटा यहाँ पे मंथी में आ गई नहीं वैल्यू, अगर हम ना कैलकुलेटर पे क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो कैलकुलेटर जो है मंथी वैल्यू का भी लॉग एंटी लॉग निकाल लेता है, लेकिन अगर हम टेबल इस्तेमाल करेंगे ना फिर मंथी वैल्यू का लॉग नहीं आता, वो हमें हल करने के लिए इसमें फिर 2 जमा करना पड़ेगा और 2 मंथी करना पड़ेगा, लेकिन हम कैलकुलेटर से हल कर रहे हैं तो कैलकुलेटर से भी हम इस तरह से कर सकते हैं, एक्स बराबर है एंटी लॉग है 1.8048 आप ना जो वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखी है वो आपने डिलीट नहीं करनी, वैसे शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का बटन दबाएं तो इक्वल कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.0809 बहुत अच्छा।